लो गाइस पे पूरा मेरा मेकअप का लुक रेडी हो चुका है। वाओ गाइस, ये अब मैं हूँ बोल के मुझे पता ही नहीं चल रहा था। आज मैं तो पूरा मेरे पति के ऊपर बिजली ऐसे गिराऊंगी ना कि मेरे हस्बैंड जी बोलेंगे, हाथ पकड़ के दौड़ दौड़ के ले जाएंगे गोल पहाड़ी। और आज ही मेरा मतलब सात फेरा हो जाएगा, फिर से दोबारा हो जाएगा शादी। तो चलिए मैं जल्दी सोए गाइस। तो चलिए आज मैं आई हूँ मेकअप करने के लिए। ये छोटी है मेरे से, तो इसका नाम मैं सॉरी भूल गई हूँ। तो देखिए मेकअप करने वाली सब पहले तो खुद मेकअप सीख के आते हैं पार्लर से, इतने इतने ज़्यादा खर्च करके, और उसके बाद फिर जब सीख जाते हैं तो कितना ज़्यादा मेहनत है, कितना ज़्यादा मेहनत है किसी को मेकअप करना। इतना आसान भी काम नहीं है, सबका काम इतना कठिन है। जैसे कि मेरा वीडियो बनाना इतना कठिन है, जैसे कि बाल काटने वाला नायक का इतना कठिन है, रेजा कुली वाला काम इतना कठिन है। बोलते हैं ना सबका काम बहुत कठिन है, बोलते हैं ऐसे। तो देख सकते हो पहले उसने गले में लगाया टिश्यू पेपर, क्योंकि नहीं तो पूरा कपड़ा ख़राब हो जाएगा फाउंडेशन से। और उसने हमें बात कर रही थी कि आपका चेहरा कितना अच्छा है कि ऑयली नहीं है, इतना सॉफ्ट है, इतना सिल्की, क्योंकि मैं रात को क्रीम लगा के सोती हूँ ना, इसलिए मेरा चेहरा एकदम वेस्ट है। तो पहले सबसे पहले उसने तो मेरा मॉइस्चराइज़र लगाया। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद फिर उसने कौन सा क्रीम लगाया, वो मतलब जेल वाला क्रीम था वो वाला लगाया। फिर उसने मेरे होठों को सॉफ्ट करने के लिए वो पता नहीं कौन सा लिपस्टिक लगाई, तो इतना सॉफ्ट हो गया। तो वो पहले जितना लिपस्टिक था जो मिटाने के लिए, तो अभी ये क्या है, एक तो एकदम ब्रश का जैसे दिख रहा था। तो पहले वो हाथ में चेक कर रही थी, तो देख सकते इसे शायद डार्क सर्कल छुपता है, मुझे नहीं पता था गाइस, मुझे भी लेना पड़ेगा क्योंकि मेरा भी बहुत डार्क सर्कल, मतलब डार्क सर्कल क्या मतलब पिंपल होता है ना, तो दागी हो गया है, जहाँ जहाँ पिंपल था जहाँ जहाँ ये सब था दागी हो गया था, हल्का हल्का, ज़्यादा भी नहीं था, मेरा चेहरा में उतना नहीं है। तो वो बोल रही थी कि आपका अपर लिप से हम छील देता हूँ, मैं डर गई थी, हम बोल रहे थे मत छीलिए, तो फिर हम बोले नहीं छीलेंगे तो कुछ नहीं होगा, तो हम फिर बाद में छिलवा लिए। उसका ब्लॉग हम मतलब उसका हम शूट नहीं कर पाए, जो कर पाए वही। तो देख सकते हो एक एक चीज़ कितना प्यार से वो कर रही है, उसका मेहनत देखिए, उसकी जो मेहनत है ना मुझे बहुत पसंद आया। क्योंकि ऐसे नहीं कि चुपचाप से मेकअप कर रही थी, एकदम अपना भी बता रही थी, मैं भी अपना खुद का बता रही थी, पूरा बहुत अच्छा लगा वहाँ पे मेकअप करने गए थे तो बुलाई थी खुद से। तो वो भी ये भी बोली कि बाद में कि आप कभी भी आ सकते हो हमारे घर। तो गाइस अगर आप लोगों को भी करवाना है इसीता, अभी नाम आया, इसीता के पास ज़रूर जाना, मुझसे कॉन्टेक्ट करना। तो देख सकते हो अभी ब्लश, अभी मुझे आँख ऊपर करने बोला, अब मैं जहाँ आँख ऊपर कर रही थी ना, मैं बोला अरे यार मैं क्या करूँ। देखिए मैं इसको इतना थोड़ा बहुत तो मैं जानती हूँ मेकअप करना कैसे करता है, लेकिन इतना मतलब इतना अच्छा तो नहीं जानती हूँ, क्योंकि मैं तो भाई मेकअप आर्टिस्ट से सीखी नहीं हूँ ना मेकअप, ये लोग तो इतना इतना पैसा दे के सीखी है। तो मुझे आईना देखना मना था, तो मैं इसलिए आईना नहीं देख रही थी, मैं बार बार बंद कर रही थी। तो अभी उसके बाद वो ब्लश करने के बाद ये पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता फाउंडेशन ही होगा शायद, नहीं तो कंसीलर है। तो देखिए अभी मेरा मुंह को पूरा अच्छा से पोता जा रहा है, नहाओ। तो अभी पूरा मेरा मुंह को पोता जा रहा है, जैसे कि कोई खड़खड़ रोड को सीमेंट क्या बोलते हैं इसको, मसाला भरा जाता है, वैसे मुझे भरा जा रहा है। और सच में गाइस एकदम भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है, तो बहुत कोई बोलते हैं ना पार्लर में ऐसे दिक्कत हो, तो मुझे बार बार काटना पड़ रहा वीडियो इसलिए, क्योंकि कुछ मतलब हम सोच रहे इतना लंबा ब्लॉग हो जाएगा, इसलिए इतना ज़्यादा लंबा ब्लॉग नहीं बनाएंगे। तो अभी देख सकते हैं और एक कंसीलर लग रहा है, मतलब आँख डार्कस छुपाने के लिए। तो गाइस मैं बोल नहीं पा रही उसके लिए सॉरी, जो भी जैसे भी मैं बोल रही हूँ आप लोग एक्सेप्ट करना गाइस। तो देख सकते हो कितना सुंदर मेरा नोज को भी कर रही है, मेरे नोज को एकदम बहुत अच्छा लगा, ऐसा नहीं लगा कि किसी का पराया के पास गए। और वो भी बोल रही थी कि ऐसा नहीं लगा कि आप कोई पराया हो, अपने जैसे हो पूरा। उसकी मम्मी भी बहुत अच्छी थी, उनके पापा भी बहुत अच्छे थे, उसको पापा से भी बात की, उसकी बहन भी बहुत अच्छी थी, उसके भाई सब भी बहुत अच्छे थे। तो अभी देख सकते हो अभी ये अंडा से कर रही है थप 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 थप।
और हम लोग अपने ही खुद के ही बारे बात कर रहे थे, किसी के बारे चुगली नहीं कर रहे थे, हमें सोचे किसी के बारे चुगली कर रहे थे, हम लोग खुद के ही बारे वाओ यस अब तो लग भी नहीं रहा ये मैं हूँ, सच में क्या बता सकती हूँ ये मैं हूँ, इतना अच्छा मेकअप, ये तो आईफोन से शूट किया क्योंकि इसलिए कि बाद में अच्छा से ब्लॉग आप लोगों को दिख पाए बोल के, मतलब हम रियल रियल वाला ऑडियो इसलिए नहीं डाले क्योंकि हम लोग बहुत कुछ ऐसा बात था, यानी कि होता है बहुत सारा चीज़, तो अभी आँखों में भी लगा रही तो मैं समझ नहीं पा रही आँख में लगा क्यों रही है, तो मुझे बाद में पता चला ये बोली कि आँख में इसलिए लगाया जाता है कि अच्छा से आई शेडो हम लोग प्यार से लगा पाए कि आई शेडो दिख पाए, हम बोले अच्छा मुझे पता नहीं था, तो चलो फाइनली मुझे पता तो चला कि हर चीज़ का अलग अलग होता है, तो देख सकते हो देखिए कैसे फोत रही है एकदम बराबर, देखिए वाव यार सच में देख के तो मेरा मन खुश हो गया था, जब ये सब देखी नहीं, उसने मुझे चैलेंज किया था कि जब तक मैं मेकअप ना करूँ तब तक आप आईना मत देखिएगा, जब मैं अपने आप को नहीं देख रही तो मुझे एकदम अकबकी सा लग रहा था क्योंकि फर्स्ट टाइम मेकअप था ना, अकबकी सा छटपटी सा लग रहा था कि कब मेरा मेकअप पूरा होगा, कब मैं अपना शक्ल देख पाऊँ, और अभी देख सकते हो ये क्या पाउडर ना क्या फेस पाउडर है जो सूखा, तो मैं मोबाइल देख रही थी लेकिन मोबाइल देखने भी मना थी तो मैं हल्का हल्का फिर भी तिरछा तिरछा देख रही थी क्योंकि मुझे बहुत देखने का मन था, तो मैं एक बार देखी ना तो अपने आप को डर गई क्योंकि इतना प्यारा लग रहा था, लग नहीं रहा था मैं हूँ, शुरू में इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो बाद में यार कौन करेगा, तो देखिए फटाफट मेकअप कर रही थी, कम से कम लगा हम लोग को दो से डेढ़ घंटा लगा मेकअप करने में, बाप रे बाप, उस सोचो एक लड़की खड़ा हो के एक लड़की को सजाने के लिए कितना देरी खड़ा होना पड़ता, खाना नहीं पानी नहीं कुछ नहीं फिर भी उस लड़की को रेडी करें, फिर भी क्या बोलते कुछ कुछ औरत होती है ना, मतलब पार्लर वाले को बोलता मुझे भूतनी बना दिया, ऐसा कुछ नहीं था, मेकअप तो बहुत प्यारे करती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आई होप कि मैं कभी बात करके मैं साड़ी वाला भी लुक दे सकती हूँ, साड़ी वाला गाउन्स वाला कुछ भी, मैं उसे बात करके, ये तो मुझे पैसा में नहीं कर रही, वो अपना तरफ से कर दे रही थी कि एक बार वो चाहती थी कि मैं किसी का मेकअप करूँ क्योंकि बहुत दिन के बाद, क्योंकि वो बीमार थी फिर भी वो मेरे को इतना अच्छा से मेकअप कर दे रही थी, मुझे बता रही थी कि, तो देख सकते अभी मैं अपने आप को देखूँगी कैसे लग रही हूँ, हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा देख रही हूँ, तो गाइस मेरे पास पैंट नहीं था तो मुझे बोली कि ट्रोजर पहन लो, ट्रोजर पहन के तो बहुत सारा मेकअप हो चुका था, जैसे कि ब्लश उलस कर चुकी थी, वो ब्लश वाला ब्लॉग भी नहीं बना पाया क्योंकि हम सोच रहे थे जनरल ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा, इसीलिए अभी आईब्रो सेट कर रही, और वो बोल रही थी आईब्रो आपका ऊपर नीचे बना दिया गया है, लेकिन उसको पता नहीं है कि मेरा आईब्रो, तो उसके बाद देख सकते हो आईब्रो मेरा, अब मैं आईब्रो में मतलब पार्लर जाके नहीं बनाई थी, मैं खुद से ही आईब्रो घर में ना हल्का हल्का हुआ था बोलकर मैं ब्लेड से बनाई थी आईब्रो, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो चुका है, देख रहे एक आईब्रो के लिए 5 मिनट टाइम देना पड़ता है एक पार्लर वाली सबको, है ना, आप लोग मानते हो कि नहीं मानते ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मैं पूरा मानती हूँ। वाइटी भूखो मत बेटा, तुम्हें जलन हो रही है, मैं इतनी सुंदर हो गई बोल के ना, देखो वाइटी भूख रही है ना, भूख रहा है, तो पता है गाइस मैं बहुत लंबा वीडियो को स्पीड कर चुकी हूँ क्योंकि ना बहुत ज़्यादा लेट हो जा रहा था, और आप लोग भी बोर हो जाओगे बोल के मैं थोड़ा स्पीड कर दी हूँ, आप लोगों को तो सब फेस टू फेस पता चल ही रहा होगा कि कैसे हमको मेकअप कर रही है बोल के, ये पूरा मेकअप आप वीडियो देखिएगा, आप उसके मेहनत देखिएगा, मेहनत कैसा है रंग लाया, तब आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और एक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, अगर आप लोग परसुडी से हो तो आप लोग प्लीज़ 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 आप लोग